देश भर का पेट भरने वाले किसानों के पेट पर जब बात आई तो किसान सड़कों पर है। अन्नदाता को जब अपने ही अन्न पर खतरा दिखा तो वो सड़कों पर है। अन्नदाता को इस कानून से कोई फायदा होने वाला है या फिर नुकसान, ये तो किसान बेहतर बता सकते हैं, सरकार या फिर आने वाला समय। लेकिन अभी इस वक्त सब कुछ चंगा नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट फाइन, अंग्रेजी में बोल दिया ताकि ज्यादा निगेटिव भी ना लगे। लेकिन बोलने से क्या होगा जब तस्वीरें खुद बोलती हों। तस्वीरों में दिख रहे किसानों की आंखों में जितनी सरलता है, बेबसी है, आशंका है, उतना ही आक्रोश भी है। अगर इन किसानों से कोई अभी कह दे कि आप वापस लौट जाओ, सब ठीक है, लेकिन ऐसा भरोसा भला किस सरकार ने आज तक बना पाया है? सो नतीजा यह है कि किसानों को सरकार पर क्या, विपक्ष पर भी रत्ती भर भरोसा नहीं है। अगर तुम इंसान की औलाद हो तो हमने गड्डी झाड़ दो। बिहार में चुनावी मेला खत्म हो चुका है, वहीं किसान एक बार फिर आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर कूच कर चुके हैं। किसानों की मांग है कि उनको दिल्ली जाने दिया जाए जहां वो अपनी बात रख सकें। वहीं सरकार का एक तर्क है कि किसानों को अगर दिल्ली कूच करने के लिए भेज दिया गया तो इससे कोविड गाइडलाइंस का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस लगातार यहाँ पर किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी के साथ ही उनको कुछ जत्थों में, कुछ टुकड़ियों में लगातार आगे रवाना किया जा रहा है। बुराड़ी एक जगह है जहाँ पर वो लोग पहुँच रहे हैं और अपनी बात को वहाँ पर रखने के लिए एक रणनीति बना रहे हैं। लगातार हम लोग ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप देखिएगा टिहरी है, जो कि यहाँ पर बॉर्डर इलाका है। इस तरफ जो है वो हरियाणा लगता है और इस तरफ दिल्ली लगता है। मैं चाहूँगा आपको तस्वीरें दिखा सकूँ। लगातार ये तस्वीरें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि तस्वीरों से साफ स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके का हुजूम जो यहाँ पर है वो किसानों का मौजूद है। और पुलिस का बंदोबस्त जो है वो बहुत ही तगड़ा नज़र आ रहा है। पुलिस ने हर एक तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। यहाँ पे आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस के साथ ही कई तरह की यहाँ पर टुकड़ियाँ और मौजूद हैं। किसानों को लगातार मनाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान जो हैं वो इस बात से बिल्कुल भी पीछे हटने को राजी नहीं है कि वो वापस जाएंगे। किसानों का साफ कहना है कि वो यहाँ से जाने को बिल्कुल राजी नहीं है। वो अपनी मांग जब तक नहीं मनवा लेते तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं। किसानों का मनोबल जो है वो बहुत ही दृढ़ निश्चय और बहुत ही मजबूत नज़र आ रहा है। आवाज़ में ज़रूर सरलता है, लेकिन मानने के लिए वो किसी भी हाल में राजी नहीं। आप लोग प्रशासन से मिलने जा रहे हैं, कितने लोगों की अनुमति मिली है, कितने लोग आप मिलने से मिलने के नहीं जा रहे हैं? हम सभी किसान जो अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली में एंटर हुए हैं या हो रहे हैं, जो पीछे से आ रहे हैं, करीब 50,000 ट्राली आ चुकी, 50,000 व्हीकल हो रहा है, उन सभी को इकट्ठा कर हम एक मेजोरिटी बनाएंगे, ताकि हमें जो डांगे खानी पड़ी हैं, जो भी हमें सामना करना पड़ रहा है ये पुलिस भाइयों का, वो दोबारा समस्या ना हो। हम पार्लियामेंट को घेरना या जंतर मंतर पर कब्जा करना है, उसके जो भी हमारा डिसीजन होगा वो करेंगे हम। सर, अगर डायलॉग पर बात नहीं बनती है तो कब तक किसान यहाँ पर मोर्चा बंद रहेंगे? सर, 6 महीने, साल, जितनी देर तक, क्योंकि 2 महीने को राशन हम किसान भाई साथ लेकर आए हैं, चाहे साल, 2 साल, जितनी देर चलेगा हम चलाएंगे। हमारे घर में ये लड़ाई, हम जो ये इधर खड़े हैं इनकी लड़ाई नहीं है। अगर मेरे घर में मेरी बीबी है, मेरी बहनें हैं, मेरी माता है, उनकी भी लड़ाई है, क्योंकि हमारा काम सभी उन बहनों ने समा रखा है घर का काम। वो बोलती हैं आप संघर्ष के लिए जाओ, ज़मीनें बचाने के लिए जाओ, हम आपका काम हम करेंगे, वो राशन पानी जो भी होगा वो हमारी बहनें भेजेंगी, हम इस संघर्ष को लगातार तम यह। सर, पुलिस प्रशासन का कहना है कि लगातार डायलॉग बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी क्या समस्या आ रही है जिससे आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं? सर, नहीं, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम तो समझते हैं, हम ये भी समझते हैं कि मोदी जो उसकी जिम्मेवारी है सरमाएदारों को खुश करने की, जिन लोगों ने 1100 करोड़ रुपये उसको इलेक्शन कंपेन पे लगाया है, डांडी बाने को, उनको खुश करने के लिए अपनी वो धर्म निभा रहा है। कोई ये हिंदुओं का नहीं है, जो कोई सिखों का नहीं है मोदी, ये सिर्फ अडानियों बानियों का है। उनको सिर्फ उनकी मुहिम क्या होती है, हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू भाइयों के साथ भी ये धोखा है। पंजाब में ये तो नहीं कल सिख रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, उनकी भी जमीन खोने के लिए अडानियों बानियों ने ये प्लान चला हुआ है। सर, सिंधु बॉर्डर से भी अभी लाइव तस्वीरें आ रही हैं कि सिंधु बॉर्डर में सर कुछ किसानों के द्वारा पत्थरबाजी की गई है। सर, ये तो कैसे सही है? सर, ये शरारती अनसरों ने की है। इधर अगर 4-5 हमने पकड़ कर दिए, वो माने प्रेस के सामने भी उन्होंने कबूल किया है कि हम पत्थरबाजी करेंगे, हम इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, किन ने पैसे दिए ये नाम नहीं बताते हैं। ये बीजेपी की, आरएसएस की पुरानी चाल है, जब भी उनके खिलाफ, जब उनकी गवर्नमेंट होती है, उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन करने के लिए निकलता है सड़कों पे, तो वो भीड़ में अपने 4 आदमी खड़े कर देते हैं। ये उनकी पुरानी प्लानिंग रही है, जो जिसको अब भी लागू कर रहे हैं।
सर, अगर शासन कहता है कि दो या चार लोगों को बुलाकर बैठ के बात कर ली जाए तो आप उसमें राजी हैं सर? जी जी, हम तो कब इनके साथ दो तीन मीटिंग पर आए हैं, ये आगे से मजाक करते हैं, कभी लीडर नहीं आते हैं, कभी वो तोमर साहब नहीं आते हैं, कभी मजाक बनाकर हमें वापस मोड़ देते हैं। कई बार मीटिंग करने के लिए कोशिश की है, लेकिन ये मजाक समझते हैं, पंजाब के लोगों का, किसानों का पीड़ नहीं दर्द नहीं समझ रहे हैं। सर, अभी पूरा देश आपको देख रहा है, एक बात बताइए कि किससे कम में किसान मानने वाला नहीं है, वापस वो लौटने वाला नहीं है, ये आपकी क्या मांग है सर, जो प्रायोरिटी बेस है? सर, मैं धन्यवाद नेशनल चैनल का, आपके मीडिया इस चैनल राही हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान खत्म होगा तो ये नहीं है कला किसान खत्म होगा, हमारा समाज चार देश हमारा चार भागों में बना हुआ है, किसान, मजदूर, मुलाजिम, दुकानदार। एक किसान खत्म होने से, किसान की जमीन प्राइवेट होने से बाकी तीन वर्ग हैं वो भी खत्म हो जाएगा। अगर दुकानदार की दुकानदारी चलती है तो वो किसान के पास पैसा होता है तब दुकानदारी चलती है, मजदूर के पास भी तो पैसा तब आता है जब किसान के पास पैसा आता है। इसलिए 80% जो लोग किसानी पे निर्भर हैं देश के, उन सभी पे समस्या है। सभी को हमारा निवेदन है कि आप सभी सड़कों पर नितरें, देशवासी सड़कों पर नितरें, जैसे पंजाब नितरा हुआ है, पंजाब के लोगों ने जुर्म सहना नहीं सीखा है। इसलिए हमारे जो देशभक्तों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दिया है, हमारे अंदर उनके जीन्स हैं, उनकी हमारे अंदर विचारधारा है, उसको हम इंप्लीमेंट करते हुए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है कि जो विपक्ष है वो भी किसानों को बरगला रहा है, तो ऐसा कुछ है क्या? ना, विपक्ष भी पहले यही नीति करता था, अब कांग्रेस की बात कीजिए वो विपक्ष है। दे पहले जो इट्टा रोड़े की बात करनी हो तो जब कांग्रेस के खिलाफ कोई लड़ता था वो चार गुंडे वो कांग्रेस में शामिल करते थे, सॉरी मुजारों में शामिल कर उन पर लाठीचार्ज करते थे। मैं इस पर और एक और बात करना चाहता हूँ कि जो 2004 की मनमोहन सरकार थी उनने बकायदा ये साइन कर इस कानून को मंजूरी दी थी, इस कानून को कि ये कानून बनना चाहिए, लेकिन उनने एक कानून को बनाने के लिए विचार चर्चा की थी, ये मोदी उसको लागू कर रहे हैं। हमारे साथ एक और किसान मौजूद है। सर, ये बताइए कि कृषि कानून जो है केंद्र सरकार कह रही है कि ये किसानों का हित छिपा हुआ है इस कानून में, आप क्यों नहीं इस चीज़ को सर समझने को राजी हो रहे हैं? सुनो, कोई कानून नहीं, 1965 के आंकड़े उठा के देखो, 1965 के आंकड़े में हमारी कोई फसल का दाम नहीं मिला किसान को, और हमारी लूट कर रहे हैं जानबूझकर। कोई सरकार आले वो ये दकोसले करते किसान का नाम लेके। सर, सरकार तो कह रही है कि बिचौलिए हट जाएंगे तो आपका ही फायदा है इसमें। बिचौलिए भी खत्म करने हैं, और ये सरकार का जो ये तीन अध्यादेश ले आए हैं हम इससे इसको मंजूर नहीं कर रहे, और अध्यादेश हमने नहीं चाहिए, हमने चाहिए हमारी किसान की MSP पूरी मिले और भाव पूरा मिले और माल ठीक मिले। ये जो आप भाई खड़े कर रखे पुलिस वाले, ये हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, नुकहते नहीं आप, इनकी तनख्वाह हमारे किसान का पैदावार होगी जब इनकी तनख्वाह निकलेगी। वो तो सर देखिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन सर एक बात बताइए कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये आपके हित का कानून है, तो इस चीज को आप समझाएं, कैसे समझाया जा सकता है सर? कृषि मंत्री ने ये नहीं पता उड़द 1 किलो में कितना बीज पड़ा करे, कृषि मंत्री से हमारे सवाल जवाब करवा लो, किलो में कितनी फसल पड़े, कृषि मंत्री बना दिए कागजों में, कृषि मंत्री ने किसान का हित का नहीं पता, किसान का नून नहीं पता, वो कितना ये आत्महत्या क्यों हो रही है, किसान का कर्जा क्यों हो रहा है, इनकी नीति और नियत और नीति के कारण कर्जा किसान का हो रहा है, नहीं किसान का कर्जा कुछ नहीं मांगता। हमने 1965 से बहुत ज़्यादा फसल पैदा की है और किसान इतना ही कर्जवान कर दिया इन्होंने, हमारे भाव नहीं मिले। समस्या दरअसल यही है कि जब राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में है, राष्ट्रीय मीडिया दिल्ली में है, और जब संसद भी दिल्ली में है, तो अगर किसान जो है वो दिल्ली नहीं जाएगा तो क्या बनारस जाएगा? कृषि मंत्री ने ये नहीं पता किलो में कितनी फसल पर, कृषि मंत्री बना दिए कागजों में। ये काफिला किसानों का है, इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रॉली में राशन है, पुराने बर्तन हैं, गद्दे हैं, रजाई है। आज तक इस तरह का काफिला भारतीय सेना का ही देखने को मिलता था, लेकिन आज जवान के साथ किसान का भी काफिला दिखने लगा। राजधानी में ये काफिला बहुत कुछ बयां करता है, सरकार बैकफुट तो किसान फ्रंट फुट पर है, लेकिन नतीजा सिर्फ अंडर द फुट है। काफी देर से उत्साहित थे ये युवा है मेरे साथ, यहाँ पर आंदोलन में काफी सक्रिय दिख रहे हैं।
आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले तो कौन सी चीज आपको ऐसी लग रही है कि जो कानून है उससे किसान को चोट हो रही है? एक चीज बताइए, किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, शांतिपूर्वक चल रहा है, तो दिल्ली सरकार से स्टेडियम क्यों मांगे गए जेल बनाने के लिए? जेलों में डालना किसानों को। दिल्ली सरकार ने भी मना कर दिया कि जेलों के लिए स्टेडियम नहीं मिलेंगे। किसान अपने हक की मांग कर रहे हैं, उन्हें मिलना चाहिए, तो इसमें कहाँ की गलत है? क्यों ये रोक रहे दिल्ली जाने के लिए, आप बताइए हमें। और दिल्ली सरकार ने तो बोला है कि इनको आने दीजिए, जंतर मंतर पे आने दीजिए इनको। देखिए, समस्या दरअसल यही है कि जब राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में है, राष्ट्रीय मीडिया दिल्ली में है, और जब संसद भी दिल्ली में है, तो अगर किसान जो है वो दिल्ली नहीं जाएगा तो क्या बनारस जाएगा? किसान अपनी अपनी बात तो रख रहे थे, लेकिन अपनी बात रखते रखते उन्होंने कोरोना को लेकर जो भी ज्ञान दिया है वो डरावना है। किसानों ने बताया कोरोना कुछ है ही नहीं, बल्कि ये महज सरकारी छलावा है। कोरोना एक स्कैम है, दुनिया को घोटाले में उलझा दिया। ऐसी भी वजह सानू कोरोना का कोई खतरा नहीं, सानू का आपके भविष्य का खतरा है। ये बताइए फिर आपने काहे पहन रखा है जब कोरोना है ही नहीं? वही पहन लिया। क्यों ही पहन लिया? कोरोना से कोई समस्या नहीं है ना? समस्या नहीं कोरोना से। स्टाइल में पहन लिया आपने, चलिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये कोरोना का लगा दिया, बोला कर्फ्यू लगा दिया 29 तारीख को, सर मेरे लिए ट्री है, फिर कर्फ्यू कहाँ बच लिया था, इमरजेंसी कहाँ पर वो? देखिए, यही तो समस्या है सरकार के साथ कि जब रैली होती है, जब सभाएं होती हैं, तब सरकार को कोरोना जो है वो छूमंतर दिखाई देता है, लेकिन जब किसान आंदोलन करता है, जब कोई आदमी अपनी बात को कहने सड़क पर आता है, तो हवाला दिया जाता है कि देश में कोरोना है, लेकिन जब रैली होती है तो कोरोना नजर नहीं आता। चलिए, मेरे कोरोना एक स्कैम है, दुनिया को घोटाले में उलझा दिया। ऐसी भी वजह सानू कोरोना का कोई खतरा नहीं, सानू का आपके भविष्य का खतरा है। ये बताइए फिर आपने काहे पहन रखा है जब कोरोना है ही नहीं? वही पहन लिया। क्यों ही पहन लिया? कोरोना से कोई समस्या नहीं है ना? समस्या नहीं कोरोना से। ऐसे स्टाइल में पहन लिया आपने, चलिए। मैडम, आपने काहे बांध लिया इसको? ये कोरोना की अपनी सुरक्षा के लिए तो बांधा हुआ है। नहीं नहीं, कोरोना का भी इतना ही डर है कि अपने अपनी सुरक्षा करो, एक दूसरे से लग ना जाए। कोरोना बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर फैला हुआ है, तो अपनी सुरक्षा के लिए हर किसी ने ये मास्क पहनना चाहिए। फंस गए ना भैया? नहीं नहीं भाई, वो बात भी सुनो, हमारी अपनी सोच है, ये सोच है। तब कोरोना कहाँ जाती है? इलेक्शन में कोरोना का छुट्टी लेके चला जाता है। देखिए, वहाँ तो ये तर्क दे दिया जाता है ना कि वहाँ पर सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, दूर दूर बैठे हैं, ऐसे करके तर्क दे दिया जाता है। रैलियों में कहाँ मास्क होते हैं? एक मिनट सर, कोई भी रैली देख लो, एक मिनट, बिहार की, यूपी बिहार की, घुसने भी नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये बात बहुत सही है, किसानों का मनोबल जो है वो बहुत मजबूत है। आवाज में जरूर सरलता है, लेकिन मनोबल कतई कम नहीं है, बहुत मजबूत है, और किसानों का कहना है कि वो यहाँ से अपनी मांग को मनवाए बिना वापस जाने वाले नहीं है। इस बीच प्रशासन ने किसानों को बातचीत कर मामला सुलझाने का प्रस्ताव दिया। कुछ किसानों ने बात भी की, लेकिन तब तक बात नहीं बनी। बात कर वापस लौटते किसान सिर्फ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। मेरे साथ एक किसान मौजूद है जो अभी बात करके आए हैं। सर, किस तरह की बात हुई और क्या बातें वहाँ पर हुई? बहुत बढ़िया बिठाया जाके, कुछ नहीं कहा सर, हूँ छाटता। क्यों, प्रशासन के बीच में कोई बात बनी है सर? ना, कोई नहीं बने हुए। अच्छा, तो ये जो आंदोलन है ये लगातार जारी रहेगा अभी भी? हाँ, जारी रहू जिन्ना चे रहे मोदी नाल जित हार नहीं करदे। ठीक है, तो पुलिस वाले जो है इनको लेकर जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि ये बात करके आए थे अभी, और बात जो है वो शायद बनी नहीं है, इसलिए ये इनका आंदोलन जो है जारी रहेगा। आपको इजाजत मिली है अंदर जाने की, दिल्ली जाने की? आपको इजाजत मिली? नहीं मिली। सानू ला रामलीला जान दी ग्राउंड, साढ़े ना धोखा कर रहे हैं, साढ़े ना प्रशासन धोखा कर रहा है, धोखा। प्रशासन ने अभी आपसे बात करने की कोशिश करी, आपको इजाजत मिली अंदर जाने की? नहीं, हो रामलीला ग्राउंड में नहीं मिली अभी। ये देखिए, यहाँ पर मतलब दिल्ली के एक अंत में है रामलीला ग्राउंड। ये किसान है जो अभी प्रशासन के साथ यहाँ पर बात करने गए थे, इनका कहना है कि स्पष्ट तौर पर कि इनको इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने इनसे बात करने की कोशिश की, इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन रामलीला ग्राउंड जाने की इनको इजाजत नहीं दी गई। किसान और आंदोलन के बीच नेता के आते ही आंदोलन में एनर्जी आ जाती है, और यहाँ एनर्जी भरने का काम किया हरियाणा के महमसे से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने। विधायक ने ट्रैक्टर पर सवार होकर खुद ही दिल्ली की दिशा में कूच कर दिया। एनर्जी तक तो ठीक, लेकिन आंदोलन में ग्लैमर भी तब आ गया जब ट्रैक्टर की बाजू वाली सीट पर सवार दिखे मशहूर सिंगर अजय हुड्डा। पहचान ठीक ठीक बताएं तो अजय हुड्डा बहु काले के गाने वाले।
तो टिकरी बॉर्डर पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बलराज कुंडू जी, जो कि निर्दलीय विधायक हैं। सर, परमिशन बताई जा रही है कि आपको मिल गई है, लेकिन निरंकारी जाने की परमिशन मिली है, जंतर मंतर जा रहे हैं कि निरंकारी जाएंगे? सर, निरंकारी पे तो लोग वहाँ सत्संग के लिए जाते हैं, ये तो किसान अपने हक के लिए आया हुआ है। लेकिन सर, यहाँ जो हक जो है वो रामलीला ग्राउंड में जंतर मंतर पे जाके मिलेगा, तो हम किसान यहाँ अपना डेरा लगा के हम जाएंगे दिल्ली में सरकार को सुनाने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, जो हमारा हक बनता है किसान का। आज यहाँ किसान सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आया है, आज किसान यहाँ अपने पेट के लिए आया, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आया है। किसान के साथ इन तीन बिलों के नाम पे जो एक धोखाधड़ी हो रखी है, उससे अपने आप को बचाने के लिए अपनी मांग प्रधानमंत्री जी के सामने रखने के लिए आया है। हाँ, तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, प्रदेशों की सरकार से, आज इस किसान को इस प्रकार से जर्जर ना होने दें, इसको इस प्रकार से सड़कों पर इसको बिखरने ना दें, क्योंकि इस देश की बॉर्डर पर जो रक्षा करता है वो भी किसान का बेटा है, और ये सामने वर्दी में खड़े जो पुलिस वाले भाई हैं, फौजी हैं, ये भी किसान के बेटे हैं। इस देश के सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर ये किसान के बेटे किसान के साथ आगे खड़े हो गए, उस दिन देश की अंतरिम और जो बाहरी दोनों सुरक्षा खतरे में पड़ जाएंगी। तो आज इस देश का किसान, जो देश का भविष्य है, देश का अन्नदाता है, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं इस केंद्र सरकार से कि इनकी किसान का जो है वो भविष्य है, MSP के रूप में जो इनकी फसल की पैसे की गारंटी, फसल खरीद की गारंटी देकर ये अमेंडमेंट करके तीनों बिलों में, इस सरकार से निवेदन करते हैं ये अमेंडमेंट करके सरकार किसानों से माफ़ी मांग ले जो उनके साथ दुर्दशा करके आज किसान को भटकना पड़ रहा है। क्योंकि सर, आप भी विधायक हैं और जो कृषि मंत्री हैं, उनका लगातार कहना है कि जो किसान का जो कानून है ये जो है किसानों के हित में है, तो सर ये वो जब कह रहे हैं कि हित में है, तो इसमें सर अहित कैसे नज़र आता है? सर, उस हित की बात तो ये किसान बताएगा, वो ब्यूरोक्रेट AC कमरों में बैठे वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं बताएंगे जो उनको बरगला रहे हैं। ये बात पूछनी है, ये तीन कानून किसान के हित में है कि नहीं, ये किसान बताएगा, उनको नहीं मालूम है। सर, यहाँ पर काफ़ी पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि कोविड नियमों का उल्लंघन हो सकता है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर एक चिंता का विषय है। सर, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये अगर किसान के साथ में ये बिल है तो ये किसान वैसे ही मर जाएगा, इस कोविड से डर नहीं लगता किसान को। आज आपके सामने ये नज़ारा आप देख रहे हैं इस बात का। क्योंकि सर, आप भी विधायक हैं, सर मुझे एक चीज़ अगर आप स्पष्ट कर सकें कि किसी विपक्षी पार्टी का अभी तक फ़ोन आया या किसी विपक्षी पार्टी से आपकी वार्ता चल रही है जो आपके समर्थन में आ रहे हो? सर, क्योंकि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं सर, वहाँ पर पूरा समर्थन कर रहे हैं किसानों का, विपक्षी पार्टियाँ जितनी भी हैं। सर देखिए, ये मेरा समर्थन नहीं, ये किसान का समर्थन चाहिए, और मैंने पहले भी आज से अभी 2-4 घंटे पहले मीडिया के साथियों के सामने कहा था, और मैंने उन विपक्ष के नेताओं से अपील की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अपील की थी, भाई दीपेंद्र जी हुड्डा जी से अपील की थी, भाई अभय सिंह चौटाला जी से अपील की थी, और अन्य जितने नेता हैं जो लोगों ने चुनकर जिनको विधानसभा में भेजने का क्या, सबसे मैंने निवेदन की थी। आज उस किसान को जिसने वोट देकर उनको विधानसभा में भेजने का काम किया, आज उस किसान के बच्चे का भविष्य खतरे में है, आज उनको साथ में खड़े सड़क पे आ गए, उनके साथ खड़े हुए, ये ट्विटर में और ड्राइंग रूम से ये फोटो खिंचवा कर प्रेस नोट जारी करने से किसान का साथ नहीं मिलेगा। किसान को साथ चाहिए, सड़क के ऊपर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, और तब उसको जो है ना उसके आवाज़ बनकर वो आगे खड़े हुए, ये मैं निवेदन करता हूँ सभी। सर, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिल्ली है सर, अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपकी किसी भी तरह से मुख्यमंत्री से बात हुई है सर? क्योंकि वो आपका समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो किसानों के साथ कर रही है वो गलत है, तो आपकी किसी तरीके से बात हुई है सर अरविंद केजरीवाल से? सर नहीं, मेरी अरविंद जी से मेरी बात नहीं हुई है। आज तो सबका निगाह, हम धन्यवाद करते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन आज हमारी बात है वो प्रदेश के केंद्र सरकार से हम जो अपील करने के लिए आज हम जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ मेंदे से निर्दलीय विधायक। दिल्ली बॉर्डर से लगातार जारी हमारी कवरेज के बीच हमें एक ऐसा ट्रैक्टर भी दिखाई दिया है जिसमें कुछ लोग पीछे मौजूद हैं। ये बताइए भैया, कहाँ से आ रहे हैं, नाम बताइएगा पहले, और फिर बताइएगा कि सीधे ये गाड़ी जो है कहाँ से आई है? ये पंजाब जी, जिला बठिंडा, पिंड बलुआना से आई है, जिस दे विच असीं 10-15 व्यक्ति सवार होके इत्थे आए। अच्छा, आप जो हैं किस पार्टी या किस बैनर के तले यहाँ पर आंदोलन करने आए हुए?
किसान यूनियन टिकाउंदा एकता दे थले अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो संघर्ष अपना सांझा संघर्ष चला रही हैं उहदे विच सारा जो भी साडी लीडरशिप अपना करदी आ उवें साडे आगू दसदे आ असीं पिंड लैवल ते किसानां वाले पास आए। अगर समझिए कि डायलॉग जो हो रहा है पूरी कोशिश की जा रही है, अगर बात नहीं बनती है तो कब तक यहाँ पर आप टिके रह सकते हैं? जो लीडरशिप फैसला करेगी वहाँ तक। आपकी लीडरशिप फैसला करेगी, लीडरशिप कहाँ यहाँ मौजूद है कि दूसरे किसी बॉर्डर पे मौजूद है? नहीं नहीं जी, वो उन्होंने पता है, इस बारे सानू नहीं, आज टकराव नहीं हुआ साडा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो आप कृषि जो कानून आया है उसके आप विरोध में यहाँ पर मौजूद हैं, कृषि कानून में ऐसी कौन सी समस्या आ रही है जो सरकार कह रही है कि आपके हित में है लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपका अहित कर रही है, ऐसी कौन सी समस्या? ए भाई, यूपी बिहार में पहले खत्म कराया है, बिहार से वहाँ से चुन ना आकर पंजाब, यूपी में तो खत्म नहीं है, बिहार में खत्म है, में खत्म है वो, वहाँ का चुना इतने आकर वो बेचते है, इसलिए उत्थे कानून है नहीं गा, ताइए सानू इससे डर आ। 95% जो किसान है वो MSP का जो अभी तक लाभान्वित रहा है वो पंजाब का और हरियाणा का है, बाकी तो देश का किसान आज तक रहा नहीं उससे लाभान्वित, तो बाकी देश का किसान काहे नहीं विरोध कर रहा है और आप क्यों विरोध कर रहे हैं जबकि केंद्र सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि ये आपके हित में है? ये साढ़े हित में होता तो वहाँ वाला झोना इतने आकर क्यों बिकता, उत्थे भी बेच सकते सीगे। अच्छा, आप यहाँ पर किस समय पहुँचे थे, यहाँ पर किस समय पहुँचे थे? असं पहुँचे सीगे जी अपना सुबह कोई 5-6 बजे। अच्छा, तो ये जो जितने लोग आए हुए हैं जो गाड़ियों से आए हुए हैं, खाने पीने का क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्था है आपके लिए अंदर? कितने दिन का राशन ये बताइए? ये जितना टाइम चलेगा वापस फिर आ जाएगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर महीना भी लग जाए तो भी टिके रहेंगे, तो टिके रहेंगे आप मतलब पूरा धर्म निश्चय करके आए हैं, मनोबल कम नहीं है? मनोबल कम नहीं है, मतलब अगर सरकार मनाने की कोशिश करती है और कहती है जैसा कि प्रशासन कह रहा है कि वापस भेजने की लगातार कोशिश की जा रही है कि आप मान जाएं किसी तरीके से, तो 1% या 2% कितने भी फीसदी कोई चांस है? अपना उतले लेवल ते सरकार लीडरशिप नाल फैसला करूगी भरोसा तो बाद, उस तो बाद वो जिम्मे आखूगी सानू असीं उवें कर लाए। अच्छा, तो एक और भाई साहब आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइए कब से चले वहाँ पंजाब से, कब चले थे? असीं कल 11:15 बजे चले सी। नींद वींद पूरी हो गई है कि नहीं हुई है? नींद तो नहीं हुई जी, रात बड़कली ट्राली नींद आई नहीं चाहती। देखिए अन्नदाता जो है पूरा यहाँ पर मौजूद है, अन्नदाता मौजूद है आपके साथ, पूरा देश जो है सहानुभूति रखता है, ये बताइए कि अगर सरकार नहीं मान रही है तो इसके पीछे आप क्या कारण समझ रहे हैं, जो इतना आंदोलन भी हो रहा है फिर भी किसान सरकार जो है वो पीछे नहीं हट रही है, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे तू क्या यार, मैंने भाई कहीं यार। चलिए कोई नहीं कोई नहीं, हमारे साथ एक और भैया मौजूद है यहाँ पर जी। देखिए लगातार यहाँ पर हम जो कवर कर रहे हैं उसमें हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि किसानों का जो मनोबल जो है वो कतई कमज़ोर नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर महीनों भी खड़े होने को राजी हैं। एक और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, पहले तो ये बताइए लिखा क्या है? ये लिखा है भारतीय किसान यूनियन एकता। हाँ जी। इस बैनर के तले आप यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, आप कहाँ, पंजाब से आए हैं? सीधे पंजाब से, श्री मुक्तसर साहब 40 मुक्तियाँ की धरती, संधु जो भी साढ़े सिद्धू ग्रुप है, ठीक है ना जी, डल्ला जी उन्होंने ग्रुप के हेठा आए हैं। साढ़ा जिला का भाजी सुखदेव सिंह प्रधान ने, ठीक है, मीत प्रधान, सुमन सिंह, ठीक है ना जी, साढ़े जेडे 71 सिंह आ, भाजी निर्मल सिंह ने, असी उन्होंने नाल आए हैं 450 ट्राली लेके किसानों की, एक एक ट्राली अं जी जिन्हों अं गुरु नानक देव जी का मोदीखाना कहने, जोड़े तुम पोलिटिकल लोग जे पढ़े लिखे इनू कहें रसोई, रसोई के लक्कड़ बालण सिलेंडर जो भी आ वस्तु घरेलू जितों जी माचिस जिन्हों कहने असी अग बालन वाली, उस तो लैके लूण मिर्च मसाला सब कुछ लैके आए, वो किन्ना दिता साढ़े किसान भरावान ने घर घर के इकट्ठा करके दिता, सानू हर एक चीज़ की वस्तु उन्होंने दी आ, उन्हें इतों तक क्या है भावें साल लगे भावें 6 महीने लगन, अपन जमीन तो आपके हक लैके दिल्ली चो मुड़ना है, ये कोई मोदी सरकार नहीं, पहलों भी सरकार ने साढ़े तो बहुत जुल्म किए ने, ठीक है ना जी, वो असी आपके हक इन्हों तो लेके जाने ने, जिहड़े 3 कानून कहने अं 3 कानून नहीं जो भी आ साढ़े हक बनते ने, अज तो पहलों 30 साल 40 साल साड़ी जिवें 75 पैसे जां 76 पैसे किलो कणक विकदी सी, 70 पैसे डीजल हुंदा सी, अज 70-72 रुपये डीजल हो गया, साड़ी कणक कित्थे रह गई 19 रुपये 18 रुपये, वह भी साढ़े तो हक एक होना चाहते ने, असी एवें नहीं होण देना, जे साड़ी जिंद दी जान जमीन आ साढ़े बच्चों वास्ते हुंदी है, साढ़े माँ प्यो साढ़े वास्ते छड्ड गए सी, जो किसान पूरे देश को खिलाता है, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, उसी अन्नदाता को आज यहाँ पर आंदोलन में शामिल होना पड़ा है, उसने कल से कुछ खाया है या नहीं खाया है इसकी भी किसी को कोई चिंता नहीं है,
यहाँ पर एक और मेरे साथ किसान मौजूद हैं यहाँ पर। सर आप तो पूरा नेता लुक में, आप कहाँ, आप नाम बताइए सर और फिर बताइए कहाँ से आए हैं। गुरबख्श सिंह नाम मेरा। पंजाब से आए हैं सीधा मुक्तसर साहब से। हाँ जी सर, ये बताइए किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता से अभी तक बात हुई है, किसी का फोन आया हो या कोई बात हुई हो कोई समर्थन के लिए? कोई किसी नहीं, सानू तो किसान यूनियन आख्या भी जाना, अभी किसान यूनियन वाले आया। आप जिस मैं आपको बता दूं, आप जिस राज्य के अंदर घुस रहे हैं उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार गलत कर रही है किसानों के साथ, तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे बात करने की कोशिश की आप लोगों से अभी तक? अजय कोई गलबात नहीं हुई, इन्होंने सानू घेर के उत्थे वाड़ लेना, चार छोरे ना के सानू घेर लेना, अभी तो दिल्ली बंद करनी आ, अं उत्थे बहन नहीं आए, अं कोई रोड नहीं छड़ना, ना ही निकल देने ना ही बढ़न देने। तो देखिए किसानों का साफ कहना है कि किसी भी नेता ने अभी तक इनसे सीधे बात नहीं की है। ट्विटर पर नेता एक्टिव हैं लेकिन सड़क पे जहां किसान मौजूद है वहां पर नेता ना देखने को मिलते हैं ना कोई बात हुई है। ये बताइए आंदोलन सरकार नहीं मानती है, मान लीजिए सरकार नहीं मान रही आपकी मांग, कब तक यहां आप टिके रहेंगे? असीं उन्ना चिर जाना ही नहीं, करे नहीं जाना जिन्ना चिर साडा कोई हल नहीं हुंदा। साडा हल करनगे ते जाना, नहीं जाना नहीं राशन मगरों फिर मंगा लांगे। अभी अगर आपसे सरकार अगर कहती है कि चार लोग आइए, चार जो आपके नेता हैं वो आइए बैठ के बात कर लेते हैं, तो उसमें राजी हैं आप? हाँ जी, हाँ मंजूर है, सानू साडे नेता जो करनगे जिन्हां दे झंडे थले अं लड़न रहे हैं वो करनगे तो सानू मंजूर। मान लीजिए आपकी चार मांगे हैं, चार में से दो को मान लेती है, दो को कहती है कि आप रुकिए, दो को नहीं मंगनी है तो सारियाँ मननियाँ, नहीं तो एक भी नहीं मननी। तो इसी के साथ पूरे दिन की आपाधापी के बाद आखिरकार बॉर्डर खोल दिया गया है और किसान जो है वो कूच कर चुके हैं। हालांकि उन्हें जंतर मंतर तो नहीं जाने दिया गया लेकिन वो निरंकारी बुराड़ी की तरफ बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा था सब शांत सा होता जा रहा था, आसमान भी और टीकरी बॉर्डर भी। इसी बीच खबर आई कि किसानों को बॉर्डर से आगे बढ़ने की इजाजत मिल चुकी है और किसान अब दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड जा सकेंगे, लेकिन वो इसके अलावा दिल्ली के किसी और हिस्से में नहीं जा सकते। खैर किसान चल दिए और रात कुछ इस तरह बीती जैसा कि तस्वीरें बता रही हैं। हमारे पास अब और कुछ बताने के लिए नहीं है।